आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलो गाइस, क्वेश्चन बोला है कि एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड y इक्वल टू sin x, दोनों के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया बन रहा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जूम करो, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अभी अपन देखें तो फर्स्ट जो है वो हमारा एक सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है, जहाँ पे सेंटर 0 0, रेडियस हमारा पाई हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन देखें तो जो सर्कल है वो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ सर्कल है जहाँ पे अपन देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो पाई कॉमा 0, और यहाँ पे सेंटर जो है वो हमारा 0 0 है, ओके। अब यहाँ से हमारा दूसरा जो है y इक्वल टू sin x है, सो y इक्वल टू sin x का जो हमारा ग्राफ होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, अपन देख सकते हैं 0 से पाई तक। सो ये ग्राफ होता है। अब यहाँ पे हमारा दोनों का जो बीच का जो एरिया है, यानी कि ये एरिया बन रहा है, सो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा सर्कल है उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया कवर कर रहा है सर्कल, वो हमारा क्या होगा, सो पाई आर स्क्वायर बाय 4, उसमें से उस एरिया में से टोटल में से ये जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा ये साइन एक्स का जो कर्व है, ये हमारा 0 से पाई के बीच जो एरिया कवर कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये एरिया कितना कवर करेगा, सो साइन एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक के बीच। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, यानी कि प्लस बन गया ये कॉस एक्स। अब ये 0 से पाई के बीच, सो अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस, यहाँ पे अपन पुट करें सो ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। अब इसको फर्दर देखें तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0, यहाँ पे 1, सो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और ये माइनस 2, ऐसा बन जाएगा। सो यहाँ पे अपन देखें तो पाई आर का वैल्यू हम यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जो कि क्या है हमारा आर स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर है। सो अपन लिख देंगे यहाँ पे पाई पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 2। सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा हमारा, पाई क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो पाई क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई 4, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पाई क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई 4 ऑप्शन 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।